सो हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोगों की रिविजन सीरीज। ठीक है गाइज, तो रिविजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो है ये हमारे रिविजन सीरीज का। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग रिविजन लेकर चलेंगे, क्या टारगेट्स हैं हमारे, क्या मैंने आप लोगों के लिए सोचा है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपकी विजन क्लियर रहे और आपको थोड़ा विश्वास बना रहे कि हाँ यार, हम राइट ट्रैक पर हैं। ठीक है, तो चलो फिर देख लेते हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। गाइस, जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले वीडियो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज आफ्टर दिस वीडियो आई एम डैम श्योर दैट आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है और आप लोग अप्रिशिएट जरूर करेंगे मेरा हार्डवर्क। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं गाइस, जल्दी जल्दी से लेट्स बिगिन। तो यार, सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं इस रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, वो ये है गाइस कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उनको मैं क्लियरली बता देता हूं गाइस कि जो भी चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट मैट्रिसेस से स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज इट इज द इजीएस्ट चैप्टर और जल्दी कवर हो जाएगा, थोड़ा आपका प्रैक्टिस में लाने के लिए इजी चैप्टर लिया है। ठीक है, मैट्रिसेस से स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस रिवीजन सीरीज में क्या होने वाला है गाइस, आई विल बी टीचिंग यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। आपको बिल्कुल भी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है वेल एंड गुड, लेकिन जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पढ़ना, तो उनको मैं बोलना चाहता हूं कि बेटा टेंशन नहीं लेनी है, मैं सब कुछ, एक भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं करूंगा, सब कुछ शुरू से पढ़ाऊंगा इस रिविजन सीरीज में। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज, इस रिवीजन सीरीज में हम लोग सीबीएसई के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको यार ऑनेस्टली बताऊं गाइस, तो इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारा हार्ड वर्क है जो किया गया है मेरे द्वारा। मैंने 5 to 6 बुक्स कंसल्ट करी है, ऑनेस्टली 5 to 6 बुक्स, मतलब कसम से 5 to 6 बुक्स मैंने कंसल्ट करी है। जितना भी रेलेवेंट क्वेश्चंस थे जो मुझको लगता था कि यार बच्चे को बतानी है, मैंने टाइप, जितनी भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे जो सीबीएसई में पूछे गए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टाइप्स थी, जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे थे, जो एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैंने 5 to 6 बुक से रेफर करके कंपाइल करा है, जो मैं आप लोगों के सामने इन रिविजन सीरीज की वीडियोज में प्रेजेंट करूंगा। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहने वाला है। और आपको बता दूंगा इसमें वीडियो शुरू करने से पहले ही और ये सीरीज शुरू करने से पहले कि ये जो सीरीज है इसकी हर एक वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब तक आपने जो भी पढ़ा या नहीं पढ़ा, डजंट मैटर, अगर आप आज से भी इस रिवीजन सीरीज के साथ मेरे साथ जुड़ जाते हैं और कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते हैं, तो आई कैन एश्योर यू कि आपके एटलीस्ट 95% मार्क्स एटलीस्ट कहीं नहीं जाएंगे। इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूं अगर आप इस रिवीजन सीरीज के साथ अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो जितने भी PYQs हैं, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने सारी टाइप्स कवर करी हैं, कंपाइल करी हैं, 6 बुक्स रेफर करी है मैंने इन टोटल। ठीक है, और आप लोगों के आगे वो प्रेजेंट करूंगा। तो यार काफी मेहनत करी है। ठीक है, थोड़ी सा मेहनत का यार मेरे को रिवॉर्ड देने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे रिवीजन सीरीज का फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, मैट्रिसेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैट्रिसेस से चलो शुरू करते हैं, लेके भगवान का नाम ऊपर वाले का, और विश करो कि इस रिवीजन सीरीज के एंड तक आप इतने पक्के हो जाओ कि आपके फुल 100 out of 100 ही आए। So, चलो इसी के साथ शुरू किया जाए आज का कार्यक्रम। तो चलिए गाइस फटाफट से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं जितने भी मैट्रिसेस में हम लोगों ने पढ़े हैं। थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट कोई भी स्किप नहीं होगा, जीरो से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को जाननी है यार, सबसे पहली चीज होती है कि मैट्रिक्स क्या होता है। भैया मैट्रिक्स क्या होता है ये बताओ। तो बेटा मैट्रिसेस क्या होती हैं, बेसिकली मैट्रिसेस क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर एरे होती है नंबर्स की। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या फंक्शंस का, उसको बोला जाता है एक मैट्रिक्स। जैसे कि यहां पर अगर मैं इस तरह से कुछ नंबर्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लिख दूं, नंबर्स कंपलसरी नहीं है, ये फंक्शन भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है गाइस। ठीक है,
तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जब हम इनको लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज बेसिकली ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोगों को ये रिवाइज करनी थी मैट्रिक्स होता क्या है। उसके बाद जितने भी नंबर्स इसके अंदर आते हैं, जितने भी अंदर के एलिमेंट्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, बेसिकली जितने भी नंबर्स या फंक्शंस हैं इनको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस या फिर एंट्रीज। ठीक है, जो मैट्रिक्स है गाइस वो सिंगुलर वर्ड है, जो हम मैट्रिसेस वर्ड यूज करते हैं मतलब कि हम बहुत सारी मैट्रिसेस की बात एक साथ कर रहे हैं, प्लूरल है। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स या फंक्शंस इसमें आते हैं एक मैट्रिक्स में उसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। आशा करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स में ही। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई ये मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 3 2 1 2 and 0 0 0 0। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो हम लोगों को देखनी है वो हमें देखना है कि रोज एंड कॉलम्स क्या होती हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, तो रोज बेसिकली क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, रो को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स के केस में जो आपका ये वाला पार्ट है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपकी क्या है, ये है रो नंबर वन। ठीक है, मैट्रिक्स में आपको रोज एंड कॉलम्स देखने को मिलते हैं। रोज बेसिकली क्या होती हैं, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो एक रो का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर रो नंबर वन। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, 3 2 1 2, अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करूं तो गाइस ये आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगी रो नंबर सेकंड। सिमिलरली लास्टली अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एलिमेंट्स जितने भी हैं उनकी बात करूं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रो नंबर थ्री। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि रोज क्या होती हैं एक मैट्रिक्स में और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉलम क्या होता है, बेसिकली वर्टिकल लाइन पर जितने भी एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वो क्या करते हैं, कॉलम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सॉरी, जितने भी वर्टिकल लाइन पर एलिमेंट्स होते हैं वो एक कॉलम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, 1 3 and 0, ये आपका क्या बना रहा है, दिस इज कॉलम नंबर वन। मैं C1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका मतलब है कॉलम नंबर वन। इसी तरह से 2 2 0, जो आपका ये है गाइस, ये क्या है, कॉलम नंबर सेकंड। सिमिलरली नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, 3 1 0, तो ये क्या है आपका, कॉलम नंबर थर्ड। सिमिलरली मैं अगर इसकी बात करूं 4 2 0 की, तो ये क्या है आपका, कॉलम नंबर फोर। तो सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले एलिमेंट्स होते हैं वो रोज का फॉर्मेशन करते हैं, और जितने भी वर्टिकल लाइंस वाले एलिमेंट्स होते हैं वो कॉलम्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैट्रिक्स देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर 3 रोज हैं इस मैट्रिक्स में और 4 कॉलम्स हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई और मैट्रिक्स बताता हूं फटाफट से, ठीक है, जल्दी जल्दी से देखेंगे, अगर मैं कोई और मैट्रिक्स बनाता हूं तो आप मेरे को बताएंगे कि उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स बनाई एक 1 2 3 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, तो इसमें हमें देखकर बताना है कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो अगर मैं रोज की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाली जितनी रोज होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये हो गई आपकी R1, रो नंबर 1 जो हॉरिजॉन्टल लाइन के एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 2, ठीक है। नेक्स्ट रो क्या हो गई, 3 2, ये हो गई R2। सिमिलरली अगर मैं 1 and 3 की बात करूं तो 1 and 3 नीचे वर्टिकल लाइन पर क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, कॉलम नंबर 1, एंड 2 2 क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 कंस्टिट्यूट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है रोज और कॉलम्स क्या होती हैं। तो बेसिकली इसका शॉर्टकट भी होता है, अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो बेसिकली आप रो को देख रहे हो, ठीक है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, कॉलम देख रहे हो। बस इस बात का ध्यान रखना, रो कॉलम उल्टे सीधे मत कर देना, इधर के कॉलम बना दो और उधर के रो बना दो। जब आप लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो आप कॉलम्स को देख रहे हो, और जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आप रोज को देख रहे हो। इस बात को अगर आप ध्यान रखोगे गाइस तो आपको रोज एंड कॉलम्स में बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा।
ठीक है गाइज, आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। सो लेट्स सपोज गाइज आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है ये वाली, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इस तरह से इसको डिनोट करा जाता है मैट्रिक्स को, ठीक है, इस तरह से आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर से एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लिखे जाए तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स गिवन है, आपसे तीन पार्ट्स पूछे गए हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज बताइए, नंबर ऑफ कॉलम्स बताइए और एलिमेंट्स बताइए C1 एंड R2 में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं गाइज। ये वाली आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 1 2 0, ठीक है। अगर मैं इसमें रोज और कॉलम्स मेंशन करना चाहूं तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि ये जो है आपकी ये रो 1 हो गई गाइज, और ये जो हो गई आपकी रो नंबर 2 हो गई। सिमिलरली अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, इस पर्टिकुलर चीज की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका कॉलम नंबर 2, और मैं इस पर्टिकुलर चीज की बात करूं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कॉलम्स और ऊपर से नीचे जाएंगे तो रो, तो ये हो जाएगा कॉलम नंबर 3। तो रो 1 रो 2 और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। रो 1 क्या हो गई 1 2 एंड 3 हॉरिजॉन्टली, ठीक है, रोज होती है हॉरिजॉन्टल और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल, ठीक है, ये बात आपको पल्ले बिठा लेनी है, बिल्कुल माइंड से उतरना नहीं चाहिए। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि रोज कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ रोज का आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम्स का आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्स बताइए C1 एंड R2 में, तो अगर मैं C1 के एलिमेंट्स की बात करूं तो C1 के अंदर कौन कौन से हैं, कॉलम नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 एंड 1, तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं C1 में 1 एंड 1। अगर R2 के एलिमेंट्स की बात करें तो रो नंबर 2 ये है तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था और आई होप रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट गाइस अगर मैं आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछूंगी कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन दीज 3 पार्ट्स, तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट की बात करें, सिंगल एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है 2, तो अगर मैं इसमें रोज एंड कॉलम्स मेंशन करना चाहूं तो मेरा जो रो होगा वो यही एक एलिमेंट से बनने वाली हॉरिजॉन्टली एक ही रो होगी, बिकॉज अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूं तो हॉरिजॉन्टली ये इस तरह से बना सकता हूं मैं, ठीक है, और अगर मैं वर्टिकली बात करूं तब भी यार ये एक ही एलिमेंट का एक ही कॉलम बनेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि एक भी रो नहीं है एक भी कॉलम नहीं है, इसमें क्या क्या है 1 रो है एंड 1 कॉलम है, ठीक है। तो सिंगल एलिमेंट के केस में आप समझ गए होंगे रोज एंड कॉलम्स कैसे निकालनी है, इसमें 1 रो है एंड 1 कॉलम है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1 2 3, ठीक है, इसमें बतानी है कितनी रोज है एंड कितने कॉलम्स है, तो हॉरिजॉन्टली कितने स्कोप है, हॉरिजॉन्टली ऊपर से अगर हम शुरू करते हैं तो बस एक ही रो बन पाएगी, बिकॉज इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से नीचे जाते थे हम, ठीक है, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई। अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पहला कॉलम वर्टिकली, ये वाला सिंगल एलिमेंट 1 है इसमें ये कॉलम 1, ये उसके बाद लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3, तो यहां पर रोज कितनी हो गई 1 हो गई और कॉलम्स कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। तो इस तरह की मैट्रिसेस का भी आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि आपको एक यूनिफॉर्म सी शक्ल की मैट्रिक्स मिले, इस तरह की मैट्रिसेस भी मिल सकती हैं सिंगल एलिमेंट वाली इस तरह की। और थर्ड वाला देखेंगे अगर आप, थर्ड केस में अगर आप रोज की बात करोगे तो ये हो जाएगी आपकी R1, ये हो जाएगी आपकी R2, ये हो जाएगी आपकी R3, और कॉलम के केस में सिर्फ आपको एक ही कॉलम मिलेगा, तो थर्ड केस में आपके पास 3 आपकी रोज हो गई R1 R2 R3 और एक कॉलम हो गया। तो ठीक है गाइस, रोज एंड कॉलम्स एंड मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट यहीं तक रखते हैं क्वेश्चंस को और आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और बातें, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो गाइस हम लोगों को रिवाइज करनी है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को ध्यान से समझेंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करा जाता है m/n से, इसको m x n भी बोल देते हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता बोलने से, लिख कर सही आना, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक नोटेशन है लिखने की, इसको ये मत समझना कि ये m x n है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक नोटेशन है, इसको पढ़ा जाता है m/n से। तो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है गाइस, ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है, रोज इनटू कॉलम्स। ये जो m एंड n है यहां पर मैं लिख देता हूं, m क्या डिनोट करता है, m डिनोट करता है कि कितनी रोज हैं, नंबर ऑफ रोज, और n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर गिवन है, इसका मतलब आपको उसकी नंबर ऑफ रोज पता है और नंबर ऑफ कॉलम्स पता है। अब बच्चा कंफ्यूज होगा कि यार पहले कॉलम आएगा कि पहले रो आएगा, तो इसको याद रखने के लिए आप ये चीज याद रख सकते हो कि m क्रॉस n में RC होता है, RC को मैं अगर कोई वर्ड रिलेट करना चाहूं तो आप रॉयल चैलेंजर से भी याद रख सकते हो, ठीक है। रॉयल चैलेंजर काफी लड़कों को तो याद रहती होगी, ठीक है, तो रॉयल चैलेंजर, वैसे तुम अच्छे बच्चे हो, ठीक है, ऐसी बातें नहीं करते, रॉयल चैलेंजर से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है, पता ही है ना सबको रॉयल चैलेंजर, बोतल, अब बोतल से यार अब तो समझ जाओ, रॉयल चैलेंजर।
आर सी, ठीक है, आर सी एम एन, पहले क्या आता है एम क्रॉस एन, यानी कि रोज इंटू कॉलम्स, ठीक है। तो ऑर्डर में पहले क्या आता है रोज और बाद में आता है कॉलम्स, पहले कॉलम्स नहीं आता है, याद रखना है। अब आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, ठीक है। कैसे आर सी से आप याद रख सकते हो, तो बेसिकली ऑर्डर क्या हो गया M क्रॉस N से रिप्रेजेंट करा जाता है, जहां पर M क्या दिखाता है नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स और N क्या दिखाता है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर किसका डिफाइन होता है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करा जाता है। आशा करता हूं ऑर्डर क्लियर हुआ। सो गाइस एक क्वेश्चन देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, तीन पार्ट्स गिवन है आपको, तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर मैंने आपको क्या सिखाया था, एम क्रॉस एन होता है बेसिकली, जहां पर एम क्या होता है नंबर ऑफ रोज और n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर बेसिकली आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं गाइस, तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप रोज की बात करोगे तो ये होगी आपकी r1, ये हो गई आपकी r2, रो 1 एंड रो 2 ये दोनों हो गई। इसका मतलब इसमें रोज कितनी है, दो है, तो सबसे पहले m की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कॉलम्स कितने हैं इसमें, कॉलम कितने हैं, ये हो गया आपका c1 और ये हो गया आपका c2। वर्टिकली कितने कॉलम्स बन रहे हैं, ये हो गया c1 और ये हो गया C2। रोज भी सिमिलरली दो हैं, तो कॉलम्स दो हैं, रोज दो हैं, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। दिस विल बी द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट, जो ये मैट्रिक्स गिवन थी इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की ओर देखते हैं गाइस, सेकंड पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट गिवन है आपको, इसमें कितनी रोज हैं, रोज है इसमें, ये हो गई आर वन, ये हो गई आर टू, तो बेसिकली इसमें रोज कितनी है, 2 है, 2 क्रॉस। कॉलम्स कितने हैं, ये हो गया C1, ये हो गया C2 एंड दिस इज C3। कॉलम्स हैं इसमें 3, रोज 2 कॉलम्स 3, तो 2 क्रॉस 3 विल बी योर आंसर। लास्ट पार्ट देखते हैं गाइस, थर्ड पार्ट देखते हैं, एक सिंगल एलिमेंट है W, इसमें रोज कितनी है, अगर मैं इधर से देखूं तो एक रो है और अगर इधर से देखूं वर्टिकली तो एक ही कॉलम है, तो एक रो और एक कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1, जहां पर पहले वाला 1 रोज के कॉरेस्पॉन्डिंग है, दूसरे वाला 1 कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग। आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, पहले रोज ही रखनी है और बाद में कॉलम्स रखने हैं, ठीक है, यही नोटेशन है और इसको याद रखने का तरीका दारू की बोतल, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक की सारी बात क्लियर हो गई और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज जो गाइस आपको याद रखनी है, यार मैंने एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, इसमें रोज कितनी है क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, अब तो देख कर ही पता लग रहा होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, आप रिविजन स्टेज पर है तभी मैं इतनी तेजी से रिवाइज करा रहा हूं। तो इसमें दो रोज हैं गाइस, क्लियरली देख पा रहे होंगे आप, 2-3 वाली एक रो, 1-2 वाली एक रो हॉरिजॉन्टली, और कॉलम्स कितने हैं, 1-2 से एक और 2-3 से एक, तो दो रोज हैं इसमें और दो कॉलम्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 2, रोज को हम एम से डिनोट करते हैं, मैट्रिसेस चैप्टर में ऑर्डर एम क्रॉस एन ने भी पढ़ाया। नंबर ऑफ कॉलम्स हम एन से डिनोट करते हैं, वो भी 2 है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया बेसिकली, 2 क्रॉस 2। कभी कभी गाइस मैट्रिक्स के ना ऑर्डर यहाँ साइड में भी लिख देते हैं 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो अगर कभी इस तरह से लिखा हुआ और अगर इस मैट्रिक्स को मैं कोई नाम दे दूं, अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स दे दूं, तो ए मैट्रिक्स के भी नीचे साइड में छोटा सा 2 क्रॉस 2 भी लिख दिया जाता है। तो ये सब एक ही बात है, बेसिकली कहना चाहते हैं कि ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली एक बात याद रखनी है, अगर आपको ऑर्डर हो गया एम क्रॉस एन यानी कि 2 क्रॉस 2, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स में, बेसिकली इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहां तो आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, बेसिकली इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप मैं फॉर्मूला वाइज बात करूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स क्या होते हैं, m into n, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, जितनी रोज हैं उसको जितने कॉलम्स है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में क्या होते हैं, m क्रॉस m into n, यहां पर मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है। ये तो नोटेशन वाला क्रॉस था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आपको नंबर ऑफ रोज को जो कि m है उसको नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है जो कि n है। यहां पर मैंने 2 into 2 करा, मेरा आंसर क्या आ गया, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ठीक है गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब देख लेते हैं गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के पीवाईक्यूज में से मैंने उठाया है ये, और एनसीईआरटी में भी गिवन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी गिवन है, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता रहता है और अलग अलग तरह से पूछा जाता रहता है। तो जितने भी तरह से पूछा जाता रहता है मैंने वो सारे के सारे पार्ट्स यहां पर मेंशन कर दिए हैं, ताकि अगर ये आगे पूछा जाए तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, बिकॉज ये पूछा जा सकता है, कई बार पेपर में पूछा गया है सीबीएसई में, ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम्पलर में भी है, और बच्चे तब भी गलत करके आते हैं और बच्चों को समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो समझते हैं गाइस, मैं इनमें से कोई एक या दो पार्ट करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवाईक्यूज का, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज डैश एलिमेंट्स, यहां पर मैंने डैश छोड़ा है, तो ये अलग अलग साल में अलग अलग तरह से पूछा गया, जैसे सीबीएसई 2011 में क्या पूछ लिया था, इफ अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स,
और एनसीईआरटी एग्जांपलर में क्या गिवन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, एनसीईआरटी में गिवन है अगर मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हो, 24 हो, 18 हो, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं फिलहाल फर्स्ट पार्ट कंसीडर करके चलता हूं। अगर तो फर्स्ट पार्ट है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो बेसिकली जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला, उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, ठीक है। यही पर्पस है रिवीजन का भी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में सारे के सारे पीवाई क्यूज लूंगा मैं, एनसीईआरटी के फालतू क्वेश्चन नहीं लूंगा अब, ठीक है। तो इफ अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों, वो है 5 के इक्वल। बेसिकली फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, सबसे पहले सीबीएसई 2011 में पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, ओके। तो उसके बाद पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबल नंबर, पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो क्या क्या ऑर्डर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के हो सकते हैं अगर इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो 5 एलिमेंट वाली मैट्रिक्सेस कितने तरह के ऑर्डर्स की हो सकती हैं वो बताना है हम लोगों को। तो ध्यान से देखेंगे, इससे जस्ट पहले भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर। रोज को हम एम से डिनोट कर रहे थे नंबर ऑफ रोज को, और नंबर ऑफ कॉलम्स को एन से डिनोट कर रहे थे। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख लूँ, आप लोग वहां पर लिख कर आना कि एम डिनोट्स नंबर ऑफ रोज, एन डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ये प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, वरना एमएन एग्जामिनर को क्या पता क्या होता है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लोग लिख कर आना। इसका मतलब हो गया कि m into n किसके इक्वल है, 5 के, जहां पर m क्या है नंबर ऑफ रोज एंड n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब गाइस आप मेरे को एक बात बताओ कि जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ऑर्डर होता है बेसिकली नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m बाय n या फिर m क्रॉस n, ये होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 5 के इक्वल है तो हमें ऐसे पेयर्स बताने हैं m एंड n के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, एज सिंपल एज दैट। इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना है। तो बच्चे पता क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे पेयर्स छोड़ देते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा चीज, ठीक है। आप लोग क्या करें, अब पेयर्स बनाने शुरू करते हैं m into n equals to 5 के लिए क्या क्या बन सकता है। आप हमेशा m की जगह 1 से स्टार्ट करें, यानी कि 1, आप अगर m लेते हैं तो n क्या आ जाएगा, 1 इंटू 5, 5 होता है तो 1 क्रॉस 5। ये आपका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जो पॉसिबल हो गया, नंबर ऑफ रोज 1 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स 5 हो, तो ये आपके टोटल एलिमेंट्स तब भी 5 रहेंगे और ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर आपका पॉसिबल हो गया, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट बढ़ें, अब स्किप करके अपने दिमाग को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 2 पर आए, 2 क्रॉस, क्या 2 इंटू समथिंग नेचुरल नंबर हो सकता है जो 5 के बराबर आ जाए। अब n को आप डेसिमल तो ले नहीं सकते, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हाफ भी हो सकते हैं क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही तो होंगे। n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स का डेढ़ थोड़ी हो जाएगा, ढाई थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब n को नेचुरल नंबर होना जरूरी है, जीरो भी नहीं हो सकता भाई, फिर मैट्रिक्स कैसे बनेगी अगर कॉलम ही नहीं होगा। कम से कम एक रो और एक कॉलम की मैट्रिक्स तो होती है दुनिया में, ठीक है। तो जीरो भी नहीं हो सकता, m और n दोनों को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, तो ये तो कंडीशन होती है। अब 2 इंटू कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 के इक्वल दे दे, यानी कि यहां पर मैं देख पा रहा हूं 2 इंटू कुछ भी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा जो मेरे को 5 मिले, यानी कि यहां पर मिसिंग है, तो बेसिकली ये वाला पेयर आपका काउंट नहीं होगा ऑर्डर में। फर्दर मूव करते हैं 3 से, 3 इंटू क्वेश्चन मार्क, 3 को भी आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे जो आपको 5 के इक्वल मिल जाए, तो बेसिकली 3 इंटू समथिंग भी आपको नहीं मिलेगा, यहां पर भी आपको क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्रॉस, ऐसा भी कोई पेयर नहीं आएगा, आपको ये वाले जो हैं ये रिजेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं कि बीच के इन्हें छोड़ देते हैं और इनको छोड़ देते हैं, तो वो बीच में जो आ भी रहा था वो भी स्किप हो जाता है। तो आप सारे केसेस लिख लिया करो जिनको कंफ्यूजन होता है, ये केसेस कब तक लिखने हैं, मेरी ट्रिक और टिप ये है आप लोगों के लिए, ये केसेस तब तक लिखने हैं जब ये फर्स्ट वाला रिवर्स हो जाए, यानी कि 1 क्रॉस 5 से शुरू करा है, यहाँ पर 5 है, वैसे अगर 13 होता तो आप कुछ और लेते, ठीक है, वो भी नेक्स्ट केस लेकर दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपका ऑड का ले लिया, मैं इवन का लूंगा इसके बाद। तो 1 क्रॉस 5 से शुरू करा है, आपको ये ऑर्डर के ऐसे कॉम्बिनेशन तब तक बनाने हैं 1 से शुरू कर जब तक ये रिवर्स ना हो जाए, यानी कि जब तक आप 5 क्रॉस 1 तक ना पहुंच जाओ तब तक आप बनाते रहो, ठीक है। तो 1 क्रॉस 5 आपका सेलेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। 2 क्रॉस ऐसा कुछ आएगा ही नहीं जो 5 के इक्वल आ जाए, ठीक है ना, n 5/2 आ जाएगा, यानी कि 2.5 विच इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली n 5/3 भी नॉट पॉसिबल है। नेक्स्ट 4 इंटू क्या समथिंग आ सकता है जो इसको सेटिस्फाई करे, जी नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और लास्टली अगर मैं देखूं लास्ट में क्या आएगा, 4 के बाद क्या आता है, 5 क्रॉस,
तो 5 अगर मैं m को लेता हूं तो मैं n को 1 ले सकता हूं ताकि इनका प्रोडक्ट 5 पे इक्वल रहे, तो दिस विल बी एक्सेप्टेड। तो बेसिकली कितने एक्सेप्ट हो गए, एक तो 1 क्रॉस 5 आपका एक्सेप्टेबल आया है इस पर्टिकुलर केस में, और 5 क्रॉस 1 आपका एक्सेप्टेबल आया है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, अगर एक मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स 2 हैं, वो क्या है, 1 क्रॉस 5 या फिर 5 क्रॉस 1। ये तीनों रिजेक्ट हो जाएंगे बिकॉज इनमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्रॉपर नेचुरल नंबर आंसर्स नहीं मिल पाए। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है, अगर नहीं भी क्लियर हुई हो तो चलो एक पार्ट और देख लेते हैं और तसल्ली कर लेते हैं। पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं इस क्वेश्चन से, ये पूछा जाता है और शायद इस साल पूछा भी जाए, आई एम नॉट श्योर। मेरा कराना धर्म है भाई, मैं सारे टाइप्स करा दूंगा, इससे बाहर आपको पेपर में कुछ खास मिलने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेकेंड छोड़ देता हूँ। अच्छा, ये जो थर्ड वाला है ये सिमिलर है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं बिकॉज 13 के केस में भी आप 1 × 13 बनाओगे, उसके बाद 2 से कुछ नहीं बनेगा, 3 से कुछ नहीं बनेगा, 4 से लास्ट तक 12 तक कुछ नहीं बनेगा, और फिर बनेगा 13 × 1। तो थर्ड पार्ट में भी दो ही पेयर्स बन पाएंगे, 1 × 13 एंड 13 × 1। जब आप बनाकर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मेरे 8 के इक्वल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों, 8 के इक्वल, यानी कि m इंटू n क्या हो गया, अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स 8 के बराबर हो गया। तो ऑर्डर पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, चलिए लिख कर देखते हैं। ऑर्डर किसके इक्वल होता है, m बाय n के। चलिए, तो सबसे पहले क्या ट्रिक सिखाई मैंने आपको, 1 से शुरू करो, 1 इंटू यानी कि 1 बाय, भाई m अगर 1 हो गया तो n क्या नेचुरल नंबर आ सकता है, यस। अगर मैं n को 8 ले लेता हूं तो मेरा काम चल जाएगा और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, 1 × 8 क्या होता है, 8 होता है, तो मेरा काम यहां पर चल रहा है, तो दिस इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 2 × क्या कोई ऐसा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर दे और नेचुरल नंबर दे दे n की वैल्यू, 2 × 4 8 होता है, तो यहाँ पर 4 अगर मैं ले लेता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस केस में 2 × 4 भी मेरा क्या हो जाएगा गाइस, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ 3 की, तो 3 × क्या कोई ऐसा नंबर है जो 8 के बराबर दे दे और n नेचुरल नंबर रहे, जी नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा केस, 3 × something नहीं आएगा, अभी तक 2 सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद 4 × क्या कोई ऐसा नंबर है जो 8 के बराबर दे दे, 4 × 2 8 होता है, तो 4/2 एक ऑर्डर एक्सेप्टेबल आपका आ गया, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं तो आ गया आपका ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद 5 से कुछ आएगा, 5 × something 8 के बराबर आ सकता है, जी नहीं, तो वो वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। 6 × something क्या 8 के बराबर आ सकता है, जी नहीं आ सकता। 7 × something क्या 8 के बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता नेचुरल नंबर केस में। और लास्ट में आपका क्या आएगा, 8 × 1 जो आपका एक्सेप्टेबल होगा। तो बेसिकली जो आपके एक्सेप्टेबल केसेस आए वो क्या है, एक तो 1 × 8, एक 2 × 4, एक 4 × 2 और एक 8 × 1। तो बेसिकली 4 ऑर्डर्स पॉसिबल हैं फोर्थ पार्ट के लिए, ठीक है गाइस। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह के क्वेश्चन में, वो कुछ भी दे दे, वो 25 दे दे, कुछ भी दे दे, आपको क्या करना है, बेसिकली पेयर्स बनाने हैं। मान लीजिए वो 25 देता है तो 1 से शुरू करेंगे, 1 × 25 एक्सेप्टेबल होगा, 2 × ऐसा कोई नंबर आएगा नहीं जो 25 के बराबर हो, तो वो नहीं, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, फिर सीधा 5 × 5 आएगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, ठीक है, 10 भी नहीं आएगा, उसके बाद 11, 12, 13, 14 कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को, फिर सीधा 25 × 1 आएगा। तो 3 केसेस बनेंगे, 1 × 25, 5 × 5 और 25 × 1। इस तरह से इसमें केसेस बनाने होते हैं और आपको बताना होता है क्या क्या ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया, फोर्थ देख लिया, थर्ड भी देख लिया, सेम है बिल्कुल फर्स्ट की तरह। कोई एक और करके दिखा देता हूं बस लास्ट, और बाकी फिर कोई भी दुनिया का आपसे पूछा जाए इस तरह का क्वेश्चन बेटा एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, काफी आसान होता है और पूछा जाता है। एक और कर लेते हैं, एग्जाम्पलर का कर लेते हैं। एग्जाम्पलर का वैसे हम एक कर चुके हैं, एनसीईआरटी का भी एक कर चुके हैं, सीबीएसई का भी कर चुके हैं। 18 वाला कर लेते हैं यार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 18 के बराबर हो तो क्या क्या ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 18 के बराबर होंगे तो क्या होगा, m into n 18 के बराबर होगा। तो शुरू करते हैं, ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। m को अगर 1 लेता हूं तो n 18 एक्सेप्टेबल है।
अगर m को 1 के बाद 2 आता है, 2 लेता हूं तो 2 into 9 भी 18 होता है, ये भी acceptable हो जाएगा। उसका 2 के बाद m को 3 लेता हूं तो 3 into 6 भी acceptable हो जाएगा बेटा, ठीक है, 3 into 6 acceptable है तो ये भी हमारा order चल जाएगा। उसके बाद 4 into something 18 के बराबर आ सकता है, जी नहीं तो 4 वाले को आपको छोड़ना होगा। 5 into something 18 के बराबर नहीं आ सकता तो उसको भी छोड़ना होगा। देन 6 जब आएंगे तो 6 into 3 18 होता है तो 6 cross 3 भी आपका order possible है। 7 into something 18 के बराबर नहीं आ सकता, 7 को छोड़ेंगे 6 के बाद। 8 into something भी नहीं आएगा, 9 into something, yes 9 into 2 भी possible है, ठीक है। उसका 10 into something नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 12 के केस में भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 into something भी 18 के बराबर नहीं, 17 भी नहीं, और लास्ट में क्या आएगा, 18 into 1। तो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 orders possible हैं आपके इस particular number of elements के corresponding। अगर number of elements 18 हो तो 6 अलग अलग orders की matrices possible हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये particular type clear हो गई है, काफी important type है, again बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है और मैंने सारे के सारे एक साथ ले लिए, ऐसा नहीं कि एक पार्ट लिया, वहां पर वो आपसे इन नंबर्स की जगह कुछ और नंबर भी दे सकता है। तरीका यही रहेगा, पेयर्स कैसे बनाने हैं, वन से शुरू करो और जब तक मैट्रिक्स रिवर्स ना हो जाए, ऑर्डर रिवर्स ना हो जाए, तब तक करते रहो। अब बच्चे कहेंगे भैया 1 into 18 और 18 into 1 एक ही बात है, मैंने कहा नहीं, 1 into 18 और 18 into 1 एक बात नहीं है। तो जब आप 1 into 18 लिख रहे हो, वैसे मैं into गलत बोल रहा हूं, 1 by 18 बोलो इसको, 1 by 18 जब आप लिख रहे हो, इसका मतलब एक तो रो है आपकी, बिकॉज रो इज into कॉलम्स होता है ना, RC याद है, रॉयल चैलेंजर, एक रो और 18 कॉलम्स। अगर 1 into 18, सॉरी फिर into बोल रहा हूँ, 1 by 18 लिख रहे हो तो 1 रो एंड 18 कॉलम होते हैं, जबकि अगर आप 18 by 1 लिख रहे हो तो इसमें 18 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो बेसिकली ये दोनों अलग अलग मैट्रिसेस हैं, ठीक है, तो आप इनको क्लब नहीं कर सकते, ठीक है। 1 by 18 और 18 by 1 अलग अलग बात होगी। आशा करता हूँ गाइज इसके साथ आपको ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।